हेलो गाइस, आज हम एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें हम परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का परफेक्ट टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस, जो वॉइस है वॉइस में हम परफेक्ट टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। परफेक्ट, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट है, फर्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, सेकंड है हमारा पास्ट परफेक्ट, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट। हमारा जैसे प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है उसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कोई भी हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आती है। परफेक्ट कोई भी हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आती है। पास्ट में हैज हैव का हेड कर दीजिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में आपको पता है विल या शैल जरूर आता है, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के बाद हमेशा हैव आता है, कभी भी आपका हैज नहीं आता है। अब देखिए हमारी स्टेटमेंट ये है, ये हमारी जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में जहां भी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इट मींस वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जहां भी आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इट मींस वहां पे आपका पास्ट परफेक्ट होता है। जहां भी विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वहां पे आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है। आज हम इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करेंगे। हमेशा याद रखना हैज हैव हैड के बाद आप बीन लगा देना। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हो तो आप हैज हैव के बाद आप बीन का प्रयोग करना है। जहां भी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको याद रखना बीन, ओनली बीन याद रखना है। अब देखिए हैज हैव यहां पे सिर्फ आपको याद रखना है बीन, क्योंकि यहां पे हैज हैव हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिर्फ आपको बीन याद रखना है। पास्ट में भी आपको क्या याद रखना है बीन, फ्यूचर में भी आपको याद रखना है बीन। अब मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वाइस या पैसिव वाइस करते हो तो सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट में। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमारी परफेक्ट टेंस में जो हमारी वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब, वो हमारी हम उसमें बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाइए सब्जेक्ट। अब ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इसमें हैज हैव, तो आप यहां पे हैज हैव यूज कीजिए, हैज या हैव। और मैंने आपको बताया था हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी होती है। फिर मैंने आपको बताया था नए ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई का प्रयोग करना है, फिर नया जो सब्जेक्ट उसको आप ऑब्जेक्ट बनाइए, ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी। इधर आके सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका हेड आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती हैड बीन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई आप यूज कीजिए और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। इसमें भी आपका सब्जेक्ट आता है विल या सेल, विल या सेल प्लस, क्योंकि हैज हैव तो इसके अंदर आता ही है, विल या सेल। मॉडल में हमेशा हैव आता है। परफेक्ट कोई भी टेंस है आपको सिर्फ याद रखना है बीन, थर्ड फॉर्म हमेशा ऑलरेडी होती है और हमेशा पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और ऑब्जेक्ट, ये आपकी आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। सिर्फ आपको याद रखना है बीन, जहां भी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप
याद रखना है सिर्फ बीन परफेक्ट, कोई भी टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो आपको हमेशा याद रखना है ओनली एक बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दीजिए। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दीजिए। अगर विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो विल या शैल हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस परफेक्ट में ऑलरेडी होती ही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, ये आपके कॉमन रूल्स हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले प्रेजेंट का एग्जाम्पल लीजिए। मैं बोलता हूँ आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर, मैंने पानी पी लिया है या मैं पानी पी चुका हूँ। परफेक्ट आप जानते हो ऑलरेडी जो एक्शन होता है वो डन होता है, एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होता। प्रेजेंट में अगर आपका एक्शन कंप्लीट होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, अगर वो एक्शन आपका पास्ट में कंप्लीट हो चुका है तो आपका पास्ट परफेक्ट कहलाएगा, अगर फ्यूचर में वो कंप्लीट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। आई हैव ड्रंक वाटर, मैंने पानी पी लिया है। अब देखिए जब आप इसका पैसिव वॉइस करोगे, ये हमारा है एक्टिव वॉइस, जब आप इसका पैसिव वॉइस करोगे बनाओगे तो इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इधर लेके आइए वॉटर, अब वॉटर के साथ हैव नहीं आता है, क्या आता है, हैज आता है, वॉटर हैज। अब देखो मैंने बताया था परफेक्ट टेंस में आपको क्या याद रखना, सिर्फ बीन याद रखना है, ओनली बीन, तो आप हेल्पिंग वर्ब बीन यूज कीजिए, वॉटर हैज बीन, थर्ड फॉर्म इसके अंदर है ही ऑलरेडी ड्रंक, अब है ड्रंक, नए ऑब्जेक्ट से पहले आप बाई यूज कीजिए और आई चेंज इनटू मी, वॉटर हैज बीन ड्रंक बाई मी, पानी मेरे द्वारा पिया गया। अब एक और एग्जांपल देखना, सी हैज लर्नड हर लेसन, मीन्स उसने अपना पार्ट याद कर लिया है, उसने अपना पार्ट याद कर लिया या वो अपना पार्ट कर याद कर चुकी है। लर्नड की लर्नड भी थर्ड फॉर्म होती है, लर्नड भी आपकी होती है, जब आप इसका पैसिव वॉइस करोगे बनाओगे, ये आपका है पैसिव वॉइस, जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, तो इधर लेके आइए हर लेसन, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का आपने सब्जेक्ट बना दिया हर लेसन। अब इसके साथ है जाएगा या हैव आएगा, हर लेसन सिंगुलर है तो आपका है जाएगा हर लेसन। अब मैंने आपको बताया था सिर्फ एक वर्ड याद करना आपको बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसके अंदर है लर्न, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और सी चेंज इनटू हर, बाई हर, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है, सिर्फ बीन याद रखना है, जहां भी आपका बीन है जो है वहां पे आप बीन यूज कर दीजिए। अब देखिए एक मैं आपको डब्ल्यू एच से बना के दिखाता हूं, हु का देखिए एनोदर एग्जाम्पल है, हु हैज क्रॉस्ड द रिवर, डब्ल्यू एच फैमिली है, डब्ल्यू एच इंक्लूड कीजिए, हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही आपका आएगा। अब देखिए हु हैज क्रॉस्ड द रिवर, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, अब देखो हु क्या आपका सब्जेक्ट है और हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है होम, और नए ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या यूज करते हो होम, नए ऑब्जेक्ट से पहले आप, ये हु का ऑब्जेक्ट हो गया आपका होम और नए ऑब्जेक्ट से पहले यूज करोगे बाई, तो हु चेंज इन टू किस में जाएगा बाई होम। अब क्वेश्चन वर्ड के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी पड़ेगी, द रिवर के साथ क्या आएगा हैज, बाई होम हैज द रिवर। अब हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज की थी
बीन, और इसकी आपकी थर्ड फॉर्म बना दीजिए, इस ऑलरेडी इसके अंदर होती भी है क्रोस्ड, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब देखिए, अब एग्जाम में कैसे इसके बारे में क्वेश्चन पुट किया जाता है, मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल है, आई हैव सीन द ताजमहल। अब ये आपका गिवन सेंटेंस है और इसके फोर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, द ताजमहल, ताजमहल इज सीन बाई मी। सेकेंड ऑप्शन है, ताजमहल वॉज सीन बाई मी। जो थर्ड है आपका, ताजमहल कैन बी सीन बाई मी। फोर्थ ऑप्शन है, ताजमहल, ताजमहल हैज बीन सीन बाई मी। अब देखिए यहां पे हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको याद रखना जहां भी हैज हैव या हैड या विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको ओनली ये याद रखना है कि हमारा बीन आएगा, सिर्फ ओनली बीन आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पे ताजमहल इज, क्योंकि हैज हैव परफेक्ट टेंस है, तो यहां पे आपको बीन का प्रयोग करना, बीन इसके अंदर है नहीं, तो इसलिए आपका ये क्या है, रॉन्ग है। सेकंड में आपका वोज सीन है इसके अंदर, ये भी आपका रॉन्ग है। अगला कैन बी सीन है, ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि आप जानते हो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमने बीन याद रखना है, बीन इसके अंदर ऑलरेडी है, तो इट मींस ये हमारा राइट आंसर है। अब हम पास्ट परफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट में हैज हैव का आपका हेड हो जाता हैज हैव का आपका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इससे भी और इजी है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें हैज या हैव में से एक यूज करना पड़ता है, लेकिन पास्ट में तो इसी को देखिए, आई हैड सीन द ताजमहल। अब देखिए यहां पे आपका हेड आया हुआ है, जब आप इसका एक्टिवाइज से पैसिवाइज करोगे, सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आके आपका क्या हो जाएगा, द ताजमहल, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब हैड, हमने क्या याद करना परफेक्ट में, बीन, हैड बीन, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म सीन, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और आई का आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ये आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हो जाएगा। एक और देखो, दे हैड टेकन मील, दे हैव टेकन मील, भोजन कर चुके, उन्होंने भोजन कर लिया है। अब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए, इधर मील आपका आके सब्जेक्ट हो गया, मील हैड, आपको ओनली याद करना है बीन, थर्ड फॉर्म हमेशा आती है टेकन, नए ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय यूज करते हो, और दे का आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, मील हैड बीन टेकन बाय देम। अब एक डब्ल्यू एच फैमिली का,
देखना whom का देखो अब whom had she cheated, whom had she cheated, वह किसको धोखा दे चुकी है, उसने किसको धोखा दे दिया था, क्योंकि पास्ट है भाई, किसने उसको उसने किसको धोखा दिया था, वो किसको धोखा दे चुकी थी। अब इस मैंने आपको बताया था हु आपका क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम, सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई यूज करते हो, और हुम आपका ऑब्जेक्ट है, हुम को किस में बदलोगे, सब्जेक्ट में, हु जाएगा बाई हुम और हुम बदल जाएगा हु हमेशा सब्जेक्ट, हैड बीन, अब इसकी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, बीन लगाइए, हु हैड बीन चीटेड, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और सी का आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए बाई हर, ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली का हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कैसे दिया जाता है, ऑप्शन में कैसे आप फाइंड आउट करोगे, सिर्फ आपको याद रखना है जहां भी हैज हैव हैड है या विल या शैल हैव है, आपको बीन याद रखना है, जैसे एग्जांपल सीता हैड डन हर वर्क। अब ये उसके अंदर स्टेटमेंट है और इसके चार ऑप्शन मिलेंगे, आप फाइंड आउट कैसे करोगे, हर वर्क हैड बीइंग डन बाय सीता, सेकंड ऑप्शन है हर वर्क हैज बीन डन बाय सीता, थर्ड ऑप्शन है हर वर्क हैड बीन डन बाय सीता, फोर्थ ऑप्शन है हर वर्क इज डन बाय सीता। अब मैंने आपको बताया था जहां भी आपका हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपको बीन याद रखना है। अब देखिए इसमें बीइंग है, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब की तरफ जाइए और आपको पूरा सेंटेंस नहीं देखना है। अब देखिए ये आपका सेंटेंस रहूँगा क्योंकि यहाँ बीइंग का कोई है ही नहीं, बीइंग तो हमेशा आईएनजी वाले वाक्यों में आता है, सीता हैड बीन होना चाहिए था। अब वर्क हैज बीन, हैज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट ही आएगा। अब हर वर्क यहाँ पे हैड बीन है, ये आपका क्या है, वैसे ही बना के देखो, हर वर्क हैड बीन डन बाई सीता, हर वर्क हैड बीन डन बाई सीता इज, ये भी आपका रॉन्ग है, ये थर्ड आपका राइट है। सिर्फ आपको याद रखना हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कोई भी है, आपको बीन आपको याद रखना है। अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट के बारे में हम देखेंगे, कॉन्टिन्यूस के बारे में फिर पढ़ेंगे, पहले हम परफेक्ट के बारे में कर रहे हैं, अब हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में जैसे एक एग्जांपल देखिए, सी विल हैव कुक्ड मील, सी विल हैव कुक्ड मील, और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, सी विल हैव कुक्ड मील बाय देन,
सी विल हैव कुक्ड मील, जब आप इसका पैसिव वाइज करोगे। अब देखिए हमारा क्या है, है परफेक्ट, कौन सा फ्यूचर परफेक्ट है, रूल वही है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाइए ऑब्जेक्ट, मील। अब देखिए विल या सेल का प्रयोग है, तो मील के साथ विल, मील विल, हैव बीन, थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, ऑलरेडी इसके अंदर है ही कुक्ड, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और सी का हर, मील विल हैव बीन कुक्ड बाई हर। एक और एग्जाम्पल देखिए, दे will have beaten me, they will have beaten me, subject को object और object को subject, me इधर आके क्या होगा subject बन जाएगा I, I के साथ shall, I shall have, क्या याद रखना आपको been, third form है beaten by, और दे का दे चेंज इन टू देम, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है। अब देखिए डब्ल्यू एच का देखना, एक हु का ही बना के दिखाता हूं मैं, हु विल हैव ओपनड द गेट, हु विल हैव ओपनड द गेट, अब इसका हुक सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हु जाता है होम, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, तो हु चेंज इनटू बाई होम, बाई होम। क्वेश्चन मार्क के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी है, बाई होम विल हैव, बाई होम विल हैव, अब दी गेट लिखना, दी गेट, अब क्या याद रखना आपको इसमें बीन और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही ओपनड, ये आपका डब्ल्यू एच से कनेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखिए, इसमें एक ऑप्शन देखिए, फाइंड आउट आप कैसे करोगे, एक एग्जाम्पल है फाइंड आउट करना है, आई सेल हैव रिवाइज माई पोएम। अब इसमें आपके फोर ऑप्शन है, फाइंड आउट करना है, माई poem has been revised by me, second है my poem had been revised by me, third है आपका my poem is being revised by me, फोर्थ आपका my poem will have been revised by me। अब इसमें आपको गिवन फोर ऑप्शन हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए माई पोइम हैज बीन, अब देखो बीन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, अब फिर आपको देखना है विल या सेल है, तो विल या सेल ही होना चाहिए, अगर हैड बीन है, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हैड बीन आंसर आना चाहिए, यहाँ पे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपका हैज हैव बीन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, सेल हैव मीन्स विल या सेल हैव बीन आना चाहिए, तो माई पोएम विल हैव बीन रिवाइज बाई मी, ये आपका राइट है।
और ये बाकी आपके रॉन्ग है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी परफेक्ट से रिलेटेड आपकी वॉइस। होपिंग दैट, उम्मीद करते हैं आपको आज का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।